हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज की स्टोरी में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 का ही है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनमें सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने हैं। अगर नहीं बनेंगे तभी जाके आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप देखते गए सॉल्यूशन देखते गए, आप पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको खुद के बारे में पता भी चल जाएगा आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता है। ओके, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो आप पहले इसे अच्छे से खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इसमें भी दिया गया है, देख लीजिए। पहला इंस्ट्रक्शन आपके पास ये है कि इसमें चार सेक्शन है, हर सेक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है। पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चन है एक एक मार्क्स वाले, दूसरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है दो दो मार्क्स वाले, तीसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन है तीन तीन मार्क्स वाले, और आपके जो लास्ट सेक्शन है उसमें चार चार मार्क्स वाले जो है वो 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले सिंपली आपको डिवीजन यहाँ पे करना है पॉलिनोमियल का। मैं आपको क्वेश्चन समझाते जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तो आपको खुद से करना होगा। बोला गया था बेसिस का ऑफ पॉइंट एक्स एंड द ऑर्डिनेट इज वाई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट बताना आपको क्या होगा। ओके, इन द गिवन फिगर एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल एओडी। एओबी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, नाम नहीं दिया गया, आपको एओडी निकालना है। आपको समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 0.4 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आपको 0.4 को, जहाँ पे 4 जो है रिकरिंग है बार बार आएगा, उसको आपको इंटीजर के पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब देखिए सिंपल नंबर क्वेश्चन है कि एक्स का और वाई का वैल्यू देख करके आपसे के का वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो आपको दिखाना है कि जो ए पी और इज इक्वल टू बी पी होगा वो दोनों आधा होगा ए बी का, ए बी लाइन सेगमेंट का आधा होगा ए पी और बी पी। प्रूफ करना है सारे एक मार्क्स के क्वेश्चन से। अब आते हैं दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइजेशन किया जाता है, साइन चेंज करके, आप सभी को आता ही होगा। उसके बाद क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट 2x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, यानी 2x-1 जो है वो गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। इसके लिए आपको एम का वैल्यू बताना है। ओके, नेक्स्ट है कि आपको 2 0 2 2 0 2 इन सभी को प्लॉट करना है, लाइन सेगमेंट बनाने हैं, आपको क्या मिलता है ये आपको बताना है। ओके, और आपको क्या मिला उसका एरिया आपको निकाल देना है। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, आपको 4 सॉल्यूशन लिखना है इन इक्वेशंस के लिए। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपको इक्वेशन दिया गया है, इसके लिए आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। नेक्स्ट है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सच दैट इट्स मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। क्या बोला गया है कि पॉइंट सी मान लीजिए दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है, ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट सी लाई करता है, इस प्रकार से कि जो मिड पॉइंट है ना लाइन सेगमेंट AB का वो C हो। ओके, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कहा गया है कि आपको प्रूव ऐसा कुछ करना है कि हर लाइन सेगमेंट के पास एक मिड पॉइंट होता ही है और एक ही होता है, ये आपको यहां पे प्रूव करना है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, बोला गया कि AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं O पर, अगर एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC और एंगल BOE 80 डिग्री है और एंगल BOD जो है वो 30 डिग्री है, तो आपको BOE निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी पूरा हो चुका है, मैं आपको समझा दिया है क्वेश्चन। अब सेक्शन सी देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, ओके, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, OS is another ray lying between ray OP and OR. Prove that angle ROS is half of angle QOS minus POS. क्या कहा गया है? Given figure में POQ एक line है, okay? Ray OR जो है, वो line PQ के perpendicular है. OS एक ऐसा और ray है, जो कि OP और OR के बीच में lie करता है, तो आपको ये चीज़ जो given है, इसको prove करना है. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका proof है, ये बहुत 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 important है. इस proof को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा. ये proof आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट आता है कि आपको 7.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है,
उसके बाद आपको इसे लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है। यहाँ पे आपको और करके भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको प्रोडक्ट में निकालना है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और x स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स का पावर फोर प्लस वन का। ओके, ये 15th क्वेश्चन तक का हो गया। अब 16th क्वेश्चन देखिए, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। साइड BC पे D एक ऐसा पॉइंट है इस प्रकार से कि वो मिड पॉइंट है, सॉरी AD इज इक्वल टू AC, वो इस प्रकार से एक ऐसा पॉइंट है लाइन BC पर कि AD और AC जो है आपस में बराबर है। तो आपको दिखाना है कि AB जो होगा वो AD से बड़ा होगा। 17th क्वेश्चन क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है C पर, राइट एंगल है C पर, एक लाइन जो है मिड पॉइंट यानी कि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट M से एक लाइन वहां पे डाला गया है और वो BC के पैरेलल है और वो AC को इंटरसेक्ट करता है D पर। तो आपको दिखाना है कि D मिड पॉइंट है AC का। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें आपको गिवन ये सब लिख करके अच्छे से डायग्राम फिगर जो भी बनेगा उसे बना करके सॉल्व करना है, क्योंकि उसका अलग से मार्क्स मिलता है, नहीं बनाने पर मार्क्स काट भी लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीन चीज आपको इस पर प्रूव करना है, हर के लिए आपको एक एक मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रूव दैट इन अ गिवन ट्रायंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। क्या कहा गया है कि आपको एक ट्रायंगल में प्रूव करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मत लीजिएगा, आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो। तो पूरा क्या है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो राइट एंगल के 2/3 से ज्यादा होता है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट आता है 19th क्वेश्चन, ABCD एक रोम्बस है, आपको दिखाना है कि AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। ABCD एक ऐसा रोम्बस है, आपको दिखाना है कि AC जो डायगोनल AC होगा वो क्या करेगा, एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करेगा और डायगोनल BD जो है वो एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव हो जाएगा, करके देखिएगा, नहीं होगा सॉल्यूशन देखिएगा। प्रूव दैट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रैवर्सल देन बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि अगर दो पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा अगर इंटरसेक्ट किए जा रहे हैं तो जो बाइसेक्टर्स होंगे किसी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो इक्वल होंगे, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। नेक्स्ट है, गिव द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर लाइन आर देयर एंड वाई। क्या बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन देना है एक ऐसे लाइन के लिए जो 2,14 से पास कर रहा हो और ऐसे कितने लाइन्स और हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो ये है, प्रूव करना आपको 2a का पावर a बाई 2 का पावर b इंटू a प्लस b इंटू 2 का पावर b बाई 2 का पावर c इंटू b प्लस c इंटू 2 का पावर c बाई 2 का पावर a का पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। ओके, सेक्शन डी में आपको a और b का वैल्यू निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए एक हिंट दे रहा हूँ, ए को पहले कॉमन निकाल लीजिएगा। ओके, और आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से इसको फैक्टराइज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से आपको आप इसको फैक्टराइज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 26th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सिटी में टैक्सी फेयर इस प्रकार से है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये लिया जाता है एंड उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे हर किलोमीटर के लिए 5-5 रुपये लिया जाता है। ओके, तो मान लीजिए कोई क्राउड जो है वो एक्स, कोई व्यक्ति जो है वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है। ओके, और टोटल फेयर वाई है, तो उसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। अगर ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहा है ना तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, काफी इजी क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में आपसे पूछ लिया गया है। ओके, 27th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कहा गया कि किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, ये प्रूव करके दिखाइए। 28th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू E एंड D रिस्पेक्टिवली। If the bisector of BO and CO of angle CBE angle BCD meet respectively at point O, प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90° माइनस हाफ ऑफ एंगल A। इस टाइप के क्वेश्चन समझाने के लिए नहीं होते हैं, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में इन सारे क्वेश्चन का प्रूफ करना होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन सब बचे हैं। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना कि आपके 9th क्लास के एग्जामिनेशन में प्रूफ ज़्यादा आते हैं,
प्रूफ वाला चैप्टर ही है, तो प्रूफ ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसलिए आपको जितना हो सके एनसीईआरटी में जितने प्रूफ दिए गए हैं, या फिर जितने आपको ये एंगल प्रूफ करो, ये एंगल प्रूफ करो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उस पर तो आपको पूरा कमांड होना चाहिए, तभी आपका हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास प्रूफ के ऊपर कमांड नहीं है तब फिर दिक्कत है। इसलिए पहले आप एनसीईआरटी के सारे प्रूफ्स को, जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है, सभी को करके जाइए, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ओके, The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side and equal to half of it. अब इसको प्रूव करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का है। इन द गिवन फिगर क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव करना है। फिगर आपको दिया गया है। अब मैं आपको इनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आने का दम रखते हैं। ओके, जिसमें ये आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर का ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें अगर 4 मार्क्स हो तो आपके भी 4 मार्क्स में ही आए, हो सकता है 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए। आपका एक ये जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में नहीं 3 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे और टिक करवा दे रहा हूँ, इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो, और ये वाला आपका जो क्वेश्चन है 19th नंबर, इसे आप लोग करके जाइएगा। बाकी आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि आपको सारे प्रूफ्स ये सब आने चाहिए, तभी आपका 9th में अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए मैथ का, किसी दूसरे स्कूल्स का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। बाकी आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर का एक प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। पिछले साल भी मैंने कुछ वीडियोज बनाए थे, उसके क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस साल नए वीडियो आ रहे हैं, उसे भी आप लोग देखिए। बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।